इंदौर के परदेसीपुरा थाना क्षेत्र में दो अलग अलग पैसों के लेन देन के मामले में हुए विवाद के चलते तीन युवकों पर चाकू से हमला कर घायल कर दिया गया। तीनों घायलों को उपचार के लिए MY अस्पताल पहुंचाया गया है। दरअसल पहला मामला परदेसीपुरा के टापू नगर के रहने वाले लिस्टेड बदमाश सूरज पर पास ही रहने वाले दो युवकों ने चाकू से हमला कर घायल कर दिया। बताया जा रहा है कि सूरज का विगत 3 वर्ष पहले शादी हुई थी, जिसकी वीडियो शूटिंग के लिए पास में ही रहने वाले रामेश्वर और महेश शादी के वीडियो शूटिंग कर रहे थे। काफी समय से वह सूरज से पैसे मांग रहे थे, लेकिन सूरज क्षेत्र का लिस्टेड बदमाश और दोनों भाइयों को डरा धमका रहा था। देर रात भी नशे में दोनों युवकों को रोका और धमकाने लगा। सूरज ने जैसे ही चाकू निकाला, महेश ने सूरज का चाकू छीनकर सूरज पर ही हमला बोल दिया। घटना में सूरज चाकू लगने से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए MY अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं दूसरा मामला परदेसीपुरा के कुलकर्णी भट्टी का है, जहां क्षेत्र का लिस्टेड बदमाश रोहित उर्फ गोलू चिकना, मैं अपने एक अन्य साथी के साथ मिलकर पिता पुत्र पर चाकू से हमला कर घायल कर दिया। बताया जा रहा है कि घायल पप्पू द्वारा रोहित को रुपए उधार दिए गए थे। जब रुपए उधार वापस मांगे तो रोहित ने धारदार हथियार से हमला करना शुरू कर दिया। बीच बचाव करने के लिए पुत्र नीलेश भी चाकूबाजी में घायल हो गया। दरअसल दोनों ही मामले में पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध कर जांच शुरू कर दी है। वहीं आरोपियों की तलाश जारी है। आज रात्रि करीब 12:15 बजे की घटना है। बाप बेटे पर हमला किया था, वो भी थाने क्षेत्र के गुंडे हैं, रोहित काला और मनीष उर्फ चिकना। इन्होंने भी उसके चाकूबाजी घटना को अंजाम दिया है, जिनकी तलाश जारी है और FIR दर्ज कर ली गई है। सर, उसमें कोई घटना कारण सामने आया? हाँ, उसमें भी पैसों का ही विवाद था, जिसकी वजह से घटना को अंजाम दिया गया है। सर, कोई चाकूबाजी घटना सामने आई है, एक लिस्टेड बदमाश पर जो है मारपीट हमला किया गया? हाँ, थाना परदेसीपुरा क्षेत्र का लिस्टेड गुंडा है सूरज उर्फ रोहित, जिस पर थाना परदेसीपुरा में कई अपराध दर्ज हैं, जिसका आज टापू नगर में किसी महेश नाम के व्यक्ति से रुपये का लेन देन को लेकर कुछ विवाद हुआ है, जिसमें इसका कहना है कि इससे वीडियो इसकी शादी हुई थी करीब 3 साल पहले, जिसकी वीडियो शूटिंग के पैसे उसने मांगे होंगे, उसी बात पर से लेकर सूरज और महेश का विवाद हुआ, जिसमें से चाकूबाजी की घटना हुई है। सर, इससे एक इसके अलावा भी एक घटना सामने आई है, जहां पर एक बाप बेटे के भी ऊपर